Hello students, this is Harsh Bhardwaj. Welcome you all into the another amazing sessions of Code India. तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में क्लास 6 टू 12th के बच्चों के लिए कोडिंग और डेटा साइंस के कोर्सेज को प्रपोज करा गया था, जहां पर इस बात की पहल करते हुए सीबीएसई ने सेशन 21 और 22 से कोडिंग और डेटा साइंस के कोर्सेज को अपने करिकुलम में लॉन्च करा है, जहां पर वो क्लास 6 टू 8 के बच्चे को कोडिंग पढ़ा रहे होंगे और क्लास 9 टू 12th के बच्चों को वो डेटा साइंस के कोर्सेज करा रहे होंगे। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर क्लास 6 टू 8 के बच्चों के लिए कोडिंग के बुक रिलीज कर दी है और हम आज क्लास 6 के बुक का फर्स्ट कवर पेज देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू कोडिंग। ये वही बुक है जो कि हर एक क्लास 6 के बच्चों को पढ़ना पड़ेगा अपने करिकुलम में कोडिंग के लिए। और इस कोर्सेज में हम लोग इस बुक्स के हर एक चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत सारे चीजों को एक दूसरे से रिलेट करते हुए पढ़ेंगे, ताकि ये कोर्स आपके लिए बहुत आसान हो जाए। और इस बुक में बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स से भी आपको कनेक्ट करा जाएगा, जिससे कि आपको ये कोर्स बिल्कुल भी बोरिंग फील ना हो। ओके, तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट और कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस ना हो पाए। और जहां तक रही बात वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में और डिटेल अगर आप जानना चाहते होंगे, तो हमने उस पर भी एक वीडियो बना रखा है, जिसको ऊपर आई बटन पर आ रहे लिंक पर क्लिक कर आप इजिली देख सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने कोर्स को शुरू करते हैं। तो ये हमारे कोर्स का फर्स्ट चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू कोडिंग फॉर क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम ही है इंट्रोडक्शन टू कोडिंग, जहां पर हमें बताया जाएगा क्लास 6 के बच्चों को, हम लोग बताएंगे। और अगर आप क्लास 6 में है तो आपको सीखने को मिलेगा कि आखिर कोडिंग है क्या, आपको फर्स्ट इंट्रोडक्शन यहाँ पर सीखने को मिलेगा। उससे पहले हम लोग कुछ एथिकल प्रैक्टिसेस इन कोडिंग की बात कर ले। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो टेक्नोलॉजी है, इसका हम लोग बहुत सारे एथिकल प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, बहुत सारे अनएथिकल प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। हिंदी में समझा जाए तो अच्छा काम और बुरा काम। तो बेसिकली अगर हम लोग कुछ सीख रहे हैं तो उसका मेन पर्पस ये होता है कि हमारे इस सीखने के कारण जो भी हम टेक्नोलॉजी को लाए उसे हमारे समाज में जो व्यापक प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। जब बात करें फेसबुक की, तो फेसबुक जैसे एप्स को भी कोडिंग करके ही बनाया गया है और वो एक सोसाइटी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। जैसे कि पहले के जमाने में क्या होता था कि बहुत सारे लोग हैं जो यूनिवर्सिटी से जब निकलते थे, अपना यूनिवर्सिटी पास आउट करते थे, तो उनके फोन नंबर चेंज हो जाया करते थे, रेसिडेंशियल एड्रेसेस चेंज हो जाया करते थे, और इस कारण उनका रीयूनियन नहीं हो पाता था। हम अपने फीलिंग्स इमोशंस को दुनिया के साथ बांट नहीं सकते थे, किसी पोर्शन में अगर कहीं कोई गलत हो रहा है तो पूरी दुनिया को पता नहीं चल पाता था। तो इस प्रॉब्लम को दूर किया फेसबुक ने, उसके बाद धीरे धीरे और सोशल मीडिया साइट्स आए। तो कहीं ना कहीं अगर आप कोई नई टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं या आपको कोई नई टेक्नोलॉजी सिखाई जा रही है, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उन टेक्नोलॉजी का आप सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए यूज करें, सोसाइटी के फायदे के लिए यूज करें। सोसाइटी में फैले एक व्यापक प्रॉब्लम है, आप उसके हेल्प से आप उसको सॉल्व कर रहे हो, ऐसा सोच रखना चाहिए। आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि आप जोमेटो का ही देख लीजिए। पहले के जमाने में लोग ठंड पड़ रही है बाहर, बहुत बारिश है, बहुत धूप है, और लोग को मन करता था कि हम कुछ अच्छा खाएं, पर वो खा नहीं सकते थे। तो जोमेटो स्विगी के आने के कारण अब वो घर पे बैठे हुए जो भी उनका मनपसंद डिश है वो ऑर्डर कर खा सकते। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी सीखने का ये मतलब है कि समाज में उसका फायदा हो, बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा हो। तो कहीं ना कहीं आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि आप हमेशा एथिकल प्रैक्टिसेस करें, अच्छे काम करें, आपके टेक्नोलॉजी सीखने से या आपके कोडिंग करने से किसी को दिक्कत ना हो, उसका रिजल्ट किसी के लाइफ पर बुरा असर ना डाले। ओके, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, एज यू बिल्ड कैपेबिलिटीज अराउंड कोडिंग यू विल बी इक्विप्ड टू बिल्ड सॉफ्टवेयर ऑन योर ओन व्हिच विल हैव एन इंपैक्ट ऑन सोसाइटी इन जनरल। पहले तो यहाँ पर एक टेक्निकल वर्ड आया, सॉफ्टवेयर। आई डोंट थिंक कि आप अगर सिक्स क्लास से बच्चे हैं तो आप इस वर्ड का मतलब समझ रहे होंगे। वो कंप्यूटर में सिखाया जाता है कि जिसको छू सकते हो हार्डवेयर और जिसको नहीं छू सकते हो सॉफ्टवेयर है। वो एक नंबर का रद्दी डेफिनेशन है, बिल्कुल गलत डेफिनेशन, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग अब टेक्नोलॉजी सीखने जा रहे हैं, कोडिंग सीखने जा रहे हैं, तो थोड़ा टेक्निकल आंसर हमें आने चाहिए। सॉफ्टवेयर जो है वो एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, जिसमें बहुत सारे कोड्स लिखे रहते हैं, जो कि हमारे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि किसी भी एक्शन को, किसी भी टास्क को कैसे परफॉर्म करना है।
पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि प्रोग्रामिंग क्या होता है, कोडिंग क्या होता है। वैसे कोडिंग और प्रोग्रामिंग में भी अंतर है, आप ऊपर आई बटन पर आ रहे लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं कोडिंग और प्रोग्रामिंग में क्या अंतर है। बट पहले ये समझना जरूरी है कि कोडिंग और प्रोग्रामिंग होता क्या है। ये एक प्रोसेस है जिसमें हम कुछ सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कुछ लाइंस ऑफ कोड्स लिख रहे होते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ओके, तो वो तो प्रोसेस है, और वो प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद जब हम एक सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस और सेट्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड्स लिख लेते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है किसी भी टास्क को कैसे परफॉर्म करना है, तो उस ब्लॉक ऑफ कोड को, उस ग्रुप ऑफ लाइंस ऑफ कोड्स को हम लोग सॉफ्टवेयर का नाम दे देते हैं जिसका भी काम होता है किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करना। ओके, स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करना। ओके, जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं वीएलसी मीडिया प्लेयर, तो आप वहां पे पॉज बटन दबाते हैं तो गाना रुक जाता है, प्ले बटन दबाते हैं तो गाना चलने लगता है। आप वॉल्यूम उसका बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, प्लेबैक स्पीड को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, और उसमें बहुत सारे तरीके की एडिटिंग कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जब भी हम लोग डिफरेंट बटन्स दबाते हैं तो उनके पीछे एक सेट्स ऑफ कोड, एक ब्लॉक ऑफ कोड रन होता है जो कि हमारे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देता है कि उन्हें क्या टास्क परफॉर्म करना और कैसे उस टास्क को परफॉर्म करना है। तो कहीं ना कहीं अगर आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो आप मशीन्स को, मतलब कंप्यूटर एक पावरफुल मशीन है और उस पावरफुल मशीन को आप इंस्ट्रक्शन दे पा रहे हैं, और जब आप इतनी पावरफुल मशीन को कंट्रोल कर पा रहे हैं अपने कोडिंग के थ्रू, तो कहीं ना कहीं इस सोसाइटी में उसका बहुत ही मेजर इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है। और जब ऐसी बात है तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप एथिकल प्रैक्टिस करें ना कि अनएथिकल प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर आप अनएथिकल प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद हो सकती है इस चक्कर में, और ये ह्यूमन काइंड के लिए वरदान नहीं बल्कि श्राप साबित हो सकता है। आप लोगों ने रोबोट मूवी तो देखी होगी, एक रोबोट को बनाने के लिए भी कोडिंग ही करनी होती है। ओके, तो अगर आप इस टेक्नोलॉजी को सीख रहे हैं तो आपको इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। तो नीचे कुछ प्रैक्टिसेस दी हुई हैं, नीचे कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए कोडिंग सीखने से पहले, कि आखिर हमारे कोडिंग सीखने का पर्पस क्या होना चाहिए। तो कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी एंड ह्यूमन वेलबींग, हम लोग जो भी टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं या कोडिंग सीख रहे हैं वो हमारे सोसाइटी के डेवलपमेंट में और ह्यूमन के वेलबींग में कंट्रीब्यूट करे। ओके, तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, यू मस्ट लिमिट नेगेटिव रिजल्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग डेंजर्स टू सेफ्टी, हेल्थ, पर्सनल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। आप जो भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं आपको उसका खास ख्याल रखना है कि जो भी आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसका जो निगेटिव रिजल्ट है उसको कंट्रोल करा जा सके और उसको कम से कम करा जा सके, और अगर पॉसिबल हो तो उसके निगेटिव रिजल्ट को जीरो किया जा सके। मतलब कि जो भी आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसका कोई निगेटिव यूज ना कर सके। निगेटिव यूज कोई क्या क्या कर सकता है, किसी के सेफ्टी को डेंजर में डालकर, किसी के हेल्थ को डेंजर में डालकर, किसी के पर्सनल सिक्योरिटी को डेंजर में डालकर, या किसी के प्राइवेसी को डेंजर में डालकर। आपको समझ में आ रहा होगा इन सभी का मतलब, कि अगर आपके सॉफ्टवेयर से किसी के जान पर बना है, किसी के प्राइवेसी पर बना है, किसी के प्राइवेट बात उछलने लगे, लाइक कुछ लोग बोल रहे थे कि फेसबुक डेटा लीक करती है, तो हो सकता है कि आप कितने भी सीक्रेट चैट किसी किसी से भी करते हैं जो आप कभी नहीं चाहते हैं कि किसी के सामने आए और वो सामने आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो भी आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसके बहुत कम से कम निगेटिव रिजल्ट्स हों। इसके अलावा तो साफ कर देते हैं हम लोग। इसके अलावा डू कंसीडर द आफ्टर इफेक्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर, इंश्योर योर कोड रिस्पेक्ट्स डाइवर्सिटी एंड इज यूटिलाइज्ड रिस्पांसिबिलिटी विद सोशल इश्यू इन माइंड। आप जब भी कोडिंग कर रहे हो तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि जब ये हमारा सॉफ्टवेयर बन के तैयार हो जाएगा तो उसके बाद इसका क्या इफेक्ट हो सकता है हमारे समाज में, क्या ये किसी के मनसा को, क्या किसी के भावनाओं की ठेस तो नहीं पहुंचा रहा है। ओके, हो सकता है कि क्या ये हमारी डाइवर्सिटी का सम्मान करता है कि नहीं। सपोज दैट अगर कोई ऐसा वेबसाइट हो जो कि महिलाओं के बारे में बुरी बुरी बातें करता हो या किसी खास वर्ग या किसी खास समाज के बारे में हेट फैलाता हो, तो वैसा सॉफ्टवेयर जो है वो समाज के लिए घातक हो सकता है, जिससे दंगे फसाद हो सकते हैं। तो वैसे सॉफ्टवेयर को बनाने से भी हमें बचना चाहिए। इन एडिशन टू दिस, प्रमोट एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी बोथ लोकली एंड ग्लोबली। आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि जो भी आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो एनवायरमेंट के सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करता हो, लोकली तो करता ही हो, ग्लोबली भी करता हो, मतलब अक्रॉस द ग्लोब, मतलब कि आपके सॉफ्टवेयर से एनवायरमेंट को कोई क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। ओके, ये सारी तो एथिकल प्रैक्टिसेस थी। और अवॉइड हार्म टू अदर्स, मतलब कि सेकंड बात ये है कि आप जब भी कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके सॉफ्टवेयर से किसी और को बहुत कम से कम हार्म पहुंचे। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं, योर कोड शुड नॉट कॉज फिजिकल और मेंटल इंजरी, अनजस्टिफाइड डिस्ट्रक्शन,
टू प्रॉपर्टी और इन्फॉर्मेशन। आप सोच रहे हो कि एक सॉफ्टवेयर ऐसा कैसे कर सकता है, तो सर एक रोबोट भी एक सॉफ्टवेयर ही होता है, एक रोबोट के अंदर भी एक सॉफ्टवेयर ही होता है, और वो आप देख चुके होंगे मूवीज में। खैर उस एक्सटेंट तक तो क्षति नहीं पहुंचा सकता है, लेकिन आने वाले समय में टेक्नोलॉजी उस लेवल पर जाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि टेस्ला ने अभी ड्राइवरलेस कार्स बनाए हैं, ओके, और अगर आप टेस्ला का जो सॉफ्टवेयर है वो इतना बेकार हो जाए आने वाले समय में, को जान बुझ के रोड पर एक्सीडेंट करता फिर, तो कितने हजार लोग, कितने लाख लोग मरेंगे, आपको अंदाजा है उससे? तो कहीं ना कहीं अगर आपका ये मानना है कि एक सॉफ्टवेयर क्या क्षति पहुंचा सकता है, तो एक सॉफ्टवेयर बहुत क्षति पहुंचा सकता है। मैं आपको बता दूं कि एक एटम बॉम्ब होता है ना, वो भी सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड होता है। एक रॉकेट जो होता है ना, वो भी कंप्यूटर के द्वारा कंट्रोल होता है। तो कंप्यूटर कैसे कंट्रोल करता है? अपने सॉफ्टवेयर के द्वारा। उसमें बहुत सारे लाइन्स ऑफ कोड्स लिख रहे थे जो कि उसको कंट्रोल कर रहा होता है, ओके? तो एक सॉफ्टवेयर जो है ह्यूमन काइंड को डिस्ट्रक्ट आसानी से कर सकता है, बट आपको ध्यान रखना चाहिए कि ह्यूमन काइंड डिस्ट्रक्ट हो रहा है, आपकी सोसाइटी डिस्ट्रक्ट हो रही है, तो कभी ना कभी आप पर भी वो आफत आएगी और आप भी डिस्ट्रक्ट होइएगा, ओके? तो इसलिए इन सब प्रैक्टिसेस को करने से हमें बचना चाहिए, ओके? तो अब आते हैं हम अपने चैप्टर पर जो है इंट्रोडक्शन टू कोडिंग। यहाँ पर फर्स्ट सेक्शन है जहाँ पर बोला जा रहा है व्हाट यू विल लर्न इन दिस चैप्टर। पहले सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने के बाद क्या क्या सीख जाएंगे। तो हम लोग सीख जाएंगे कि कोडिंग क्या है, कोड क्या है, कोड आखिर रियल लाइफ में कैसे अप्लाइड किया जाता है, आखिर हमारा जो कोड है वो हमारे डे टू डे एक्टिविटी में हमको कैसे इम्पैक्ट करता है, कैसे हमको प्रभाव डालता है। और इस चैप्टर के अंदर हम ये भी सीखेंगे कि आखिर कोडिंग होता क्या है, कोडिंग का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम सीख जाएंगे, ठीक है? तो हम लोग क्या क्या सीखेंगे, इसके अलावा हम लोग सीखेंगे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ कोडिंग, कि कोडिंग का रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन क्या है, हमारे अगल बगल कोडिंग का क्या क्या यूज हो रहा है, कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, ये सीखेंगे। उसके बाद कि इन्हीं का समराइज, कि इन्हीं ये इसी पैराग्राफ का समराइज है कि हम रियल वर्ल्ड में एप्लीकेशन देखेंगे कोडिंग का, कोडिंग कैसे इम्पैक्ट करता है हमारे डेली लाइफ को, और आखिर कोडिंग होता क्या है कंप्यूटर साइंस से प्रतिपेक्ष में देखें या कंप्यूटर साइंस के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो आखिर कोडिंग होता क्या है, ठीक है? तो यहाँ पर एक एग्जांपल है कि हाउ टू ट्रैफिक लाइट वर्क। पहले मैं ये बता देता हूँ कि ट्रैफिक लाइट कैसे वर्क करता है। सपोज दैट कि हमारा यहाँ पर ट्रैफिक लाइट है, ठीक है, ये चार रास्ते दिए हुए, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर, ये चार रास्ते दिए हुए, ठीक है? तो सपोज दैट कि जब यहाँ पर ग्रीन जल रहा होता है तो बाकी तीनों जगह रेड जल रहा होता है, फिर जब इस साइड में रेड ग्रीन होता है तो बाकी तीनों साइड रेड होता है, जब इस साइड में ग्रीन होता है तो बाकी तीनों साइड रेड होता है। तो इससे क्या होता है कि ट्रैफिक लाइट जो है रेगुलेटर और टाइम पे अपना जो लाइट है उसको चेंज, लाइट का कलर जो है उसको चेंज करता रहता है। ट्रैफिक लाइट का तो बेसिक रूल ऐसे ही है। चलिए अब देखते हैं, हैव यू वंडर्ड हाउ ट्रैफिक सिग्नल्स फंक्शंस द लाइट साइकिल थ्रू ग्रीन येलो एंड रेड एट रेगुलर इंटरवल टू कंट्रोल रोड इंटरसेक्शन ट्रैफिक फ्लो This prevent accident and help to avoid congestion on the roads. Okay, तो आपको पता है कि ट्रैफिक लाइट में क्या होता है कि ग्रीन, येलो और रेड जो लाइट है वो रेगुलर इंटरवल पर चेंज होता रहता है, जिसमें क्या होता है कि पहले अगर एक साइड ग्रीन है बाकी साइड रेड होता है तो पहले एक साइड का आदमी पार हो जाता है, फिर दूसरे साइड का आदमी पार होता है, फिर तीसरे साइड का आदमी पार होता है, फिर चौथे साइड का आदमी पार होता है। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे मेजर एक्सीडेंट्स होने से बच जाते हैं। आपको एक मैं इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ। बिल गेट्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं, कई सालों तक वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी रहे हैं। वो जब 13 साल के थे तो ट्रैफिक लाइट के सिग्नल का कोडिंग किए थे, और इसके लिए इसके कारण अमेरिका में एक्सीडेंट्स बहुत कम हो गए थे, और इसके लिए उन्हें अमेरिका की गवर्नमेंट से बहुत बड़ा पुरस्कार भी मिला था, ओके? तो बेसिकली क्या है ना कि इसके अंदर भी कोडिंग वर्क करता है, जिसके कारण रेगुलर इंटरवल पर जो है लाइट चेंज होता रहता है, लाइट के कलर जो है वो चेंज होता रहता है, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि few lines of code running in the background drive the traffic light at regular intervals. The code changes the traffic signal to show different color. जैसा कि मैंने बताया कि इसके पीछे भी कुछ few lines के codes होते हैं। इस codes में धीरे धीरे आप जान जाएंगे कि वो coding कैसे करते हो। कुछ लाइन के codes होते हैं जो कि इसके सिग्नल के कलर को रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर चेंज करते जाते हैं, जिसके कारण हमारा ट्रैफिक जो है इतना सही से वर्क करता है और बहुत सारे एक्सीडेंट्स के चांसेस घट जाते हैं, ओके? और कभी कभी तो अब आज के जमाने में देखा जाए तो ट्रैफिक लाइट्स है ना वो और स्मार्ट हो गए हैं, ठीक है? इसके चारों तरफ सेंसर लगा हुआ है और जिस साइड ज्यादा भीड़ रहती है ना उसको पहले निकालता है, ओके? मतलब अब ऐसा जरूरी नहीं है कि रेगुलर इंटरवल पर ही वो अपना लाइट को चेंज करे। जिस साइड ज्यादा भीड़ रहेगी उस साइड ग्रीन रहेगा, जिस साइड कम भीड़ रहेगा उधर रेड रहेगा।
जब इधर का ट्रैफिक क्लियर हो गया तो फिर जैसे ही कम हुआ यहाँ का भीड़, फिर जिस साइड ज्यादा भीड़ रहेगा उस साइड में ग्रीन हो जाएगा, बाकी सब तीनों साइड रेड हो जाएगा। तो अब के जो ट्रैफिक लाइट्स आ रहे हैं वो बहुत स्मार्ट होते जा रहे हैं, और जो सेंसर के हेल्प से जो ये ट्रैफिक लाइट्स अपने कलर को चेंज कर रहे हैं, इसके पीछे भी कुछ लाइन्स की कोडिंग ही है जो कि इनको कंट्रोल कर रही है। तो ये तो आप देख लीजिए अपने रियल लाइफ एग्जांपल, ऐसे बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स हमारे अगल बगल है। ओके, वेयर इज टू बी सी एप्लीकेशन ऑफ कोडिंग, एक तो एप्लीकेशन ये हो गया कि ट्रैफिक लाइट कैसे वर्क करता है, तो ये फुल्ली कोडिंग है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि और कहां कहां आखिर कोडिंग का यूज है। ठीक है, तो आपका बहुत बार इंटरेक्शन हुआ होगा बार कोड से। हमारे चैनल पर कोडिंग यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं जाकर कि हमने कुछ पाइथन के कुछ लाइंस को यूज करके, पाइथन के कुछ लाइंस ऑफ कोड्स को यूज करकर हमने क्यूआर कोड जनरेट करना सीखा है। वैसे ही बार कोड भी जनरेट होता है जिसमें कि बहुत सारे हिडन मैसेजेस होते हैं। लाइक आप देखते हो कि जब दुकान में आप जाते होंगे तो प्रोडक्ट को लेते हैं और ऐसे करके स्कैन करते हैं तो वहां पर बार कोड स्कैन होता है। तो बार कोड के अंदर कुछ लाइंस ऑफ कोड्स होते हैं जिनके अंदर कुछ हिडन मैसेजेस होते हैं जो कि केवल कंप्यूटर से ही पढ़ पाते हैं। ओके, तो बार कोड्स जो है वो भी कोडिंग करके बनाया जाता है। इसके अलावा ऑटोमेटिक कंट्रोल ऑफ ट्रैफिक जो कि अभी हम बताएं, उसके बाद आप जितना भी मूवी का टिकट बुक करते हैं, बस ट्रेन फ्लाइट टिकट जितना भी बुक करते हैं, सब सारे के अपने स्पेशल ऐप है और उन ऐप को बनाने के लिए बहुत सारे लाइन्स ऑफ कोड्स लिखने पड़ते हैं, तो वहां पर भी कोडिंग का रियल लाइफ एग्जाम्पल है। इसके अलावा आप जो प्रिंटर यूज करते हैं, कंप्यूटर के जितने सॉफ्टवेयर होते हैं, वेब ब्राउजर, एमएस वर्ड, गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जितने भी तरीके के वेबसाइट है, जितने भी तरीके के ऐप है, उन सभी में कोडिंग है। आप डे टू डे लाइफ में केवल कोडिंग से ही घिरे हुए हैं। ओके, उसके बाद बहुत सारे तरीके के वीडियो गेम्स, एनिमेशन फॉर एंटरटेनमेंट, जो बहुत सारे वीडियो गेम्स आप देखते हैं, यस सर, पबजी जैसा जो गेम है उसका गेम इंजन जो C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जो कि आप इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे तो सी लैंग्वेज सीखेंगे, उसी में लिखा हुआ है। ओके, तो एक्चुअली क्या है कि सी लैंग्वेज का एक्सटेंशन होता है C++, तो अगर आप सी जानेंगे तो C++ भी बहुत जल्दी सीख जाएंगे। तो पबजी जैसा गेम भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके कोडिंग के हेल्प से ही लिखा हुआ गया है, लिखा गया है। ओके, तो अब हम लोग समझते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज कोडिंग, आखिर कोडिंग है क्या। तो कोडिंग ऑल्सो रेफर टू एज प्रोग्रामिंग और क्रिएटिंग is creating instructions, okay, है क्या। तो जैसा कि हम बता चुके हैं कि कोडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग कुछ सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्रिएट करते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देता है किसी भी टास्क को कैसे परफॉर्म करना है। ओके, तो कोडिंग मतलब तो क्लियर ही होगा। कोडिंग को बहुत बार प्रोग्रामिंग रेफर करते हैं, लेकिन ये जूनियर्स के लिए। अगर आप जानना चाहते हैं कोडिंग और प्रोग्रामिंग एग्जैक्टली क्या होता है, अंदर में क्या डिफरेंस है, तो आप कोड इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा कोडिंग इज जस्ट लाइक सॉल्विंग अ मैथ, कोडिंग जो है वो मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व करने के बहुत सिमिलर है। जैसे मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं, वैसे ही किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कराने के लिए जो हम कोड लिखते हैं, उस कोड को लिखने के लिए कई सारे तरीके हो सकते हैं। ओके, बेसिकली क्या है कि कोडिंग के हेल्प से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, और हमको पता है कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कई सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक उसी तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब हम उसको कोडिंग के हेल्प से सॉल्व कर रहे होते हैं, तो उस कोड को लिखने के लिए भी बहुत सारे तरीके होते हैं जिनको हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, जस्ट बट हमको ख्याल जस्ट लाइक सॉल्विंग एनी अदर प्रॉब्लम सम कोडिंग अप्रोचेस आर मोर एफिशिएंट देन अदर, बट हाँ कई तरीके तो हो सकते हैं। जैसे कि मैथ्स के भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन एक सॉल्यूशन जो होता है वो बाकियों के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा एफिशिएंट होता है। ठीक उसी तरीके से कोडिंग में भी बहुत सारे तरीके से कोड को तो लिख ही सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ कोड जो होते हैं या कोई खास कोड ही होता है वो सबसे अधिक एफिशिएंट होता है। तो कहीं ना कहीं हमें एफिशिएंट कोड लिखना सीखना होगा, क्योंकि कोड तो सब लोग लिख देते हैं, लेकिन अगर वो एफिशिएंट नहीं हुआ तो बहुत सारे रिसोर्सेज का यूज करेगा। जैसे कि अगर बात करें कि आपके पास कोई ऐप है, अगर वो 2 GB का ऐप है, 3 GB का ऐप है, तो क्या आपके फोन में वो रन हो पाएगा? मोस्ट प्रोबेबली वो नहीं रन हो पाएगा। लेकिन अगर वही 20 MB का है, 30 MB का है, तो आपके फोन में बहुत इजीली रन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस कोड को बहुत एफिशिएंटली लिखा हुआ है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का बहुत ख्याल रखा गया। खैर ये अलग बात है, आपके लेवल में इसको नहीं समझना है तो आप इसको छोड़ दीजिए। बस इतना समझिए कि जैसे मैथ्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं, वैसे भी किसी खास कोड को लिखने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन जैसे मैथ्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो एक कोई तरीका होता है वो सब में बेस्ट होता है, वैसे कोडिंग करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन उसमें कोई खास तरीका जो होता है वो सबसे अधिक बेस्ट होता है, सबसे अधिक एफिशिएंट होता है। ओके, अब
ये वाला पोर्शन जो है वो आप खुद से पढ़िएगा, इसमें वही चीजें बताई गई हैं जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। बेसिकली अगर सीखते हैं व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके, आखिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। तो जैसे कि हमने बताया कि प्रोग्रामिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम कुछ सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस को क्रिएट करते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर को बताता है कि किसी भी टास्क को कैसे परफॉर्म करना है, जो कि हमारे कंप्यूटर को ऑर्डर देता है कि किसी भी टास्क को कैसे परफॉर्म करना है। सपोज दैट कि मैं आपका टीचर हूं और आप मेरे स्टूडेंट्स हो और मुझे आपको कोई काम असाइन करना है, मुझे बोलना है कि तुम किसी काम को परफॉर्म करो, तो मेरे और आपके बीच में कोई ना तो कोई कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए। जैसे कि हम लोग हिंदी या इंग्लिश में बात कर रहे हैं, ठीक उसी तरीके से अगर मुझे आपसे कोई काम करवाना है तो हमारे बीच में कोई तो कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए। वैसे ही हमारे और कंप्यूटर के बीच में जो एक कॉमन लैंग्वेज होती है जिसके हेल्प से हम लोग कंप्यूटर को कोई भी बात समझा पाते हैं या कोई इंस्ट्रक्शन दे पाते हैं, उस कॉमन लैंग्वेज को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ओके, सम ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज्ड वंस आर, ये जो कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सबसे अधिक यूज किए जाते हैं, जैसे कि पाइथन, जावा, जावा स्क्रिप्ट, सी हैश, रूबी, C++, सी, ओके, कोबोल, ऐसे ये कुछ फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं लेकिन ये सबसे फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, इसके अलावा हम लोग सीखते हैं सिंटैक्स, ठीक है। तो सिंटैक्स इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट वी नीड टू फॉलो व्हेन वी राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम। ओके, जैसे कि अगर हम लोग किसी को लेटर लिख रहे होते हैं, ओके, या हम लोग कोई इंग्लिश में कोई ऐसे लिख रहे होते हैं तो उसका रूल्स होता है, यही रूल्स फॉलो करना है आपको लेटर लिखने के वक्त। जैसे कि सबसे पहले टू होना चाहिए, फिर डेट होना चाहिए, फिर सैल्यूटेशन, फिर फ्रॉम, ऐसे करके एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना लेटर लिखने का, फॉर्मल लेटर लिखने का, इनफॉर्मल लेटर लिखने का, या हम कह सकते हैं कि हम लोग जब हिंदी में बात करें तो उसका भी एक रूल है ना कि मैम का मतलब क्या होगा, हम कहाँ यूज करेंगे, तुम कहाँ यूज करेंगे, ठीक है, आप किसके लिए यूज करेंगे, तुम किसके लिए यूज करेंगे, ये सारे रूल्स है ना। तो किसी भी लैंग्वेज में कुछ रूल्स होते हैं जिनको कि हमें ध्यान में रखना पड़ता है कोई भी लैंग्वेज को लिखने के लिए। ठीक उसी तरीके से प्रोग्राम, कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने के लिए जो कुछ रूल्स है, कुछ सेट ऑफ रूल्स है किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स है, उन्हीं रूल्स को हम लोग क्या कहते हैं, सिंटैक्स। क्या कहते हैं? सिंटैक्स। ओके, तो यहां पर बोला जा रहा है कि हमारे वर्ल्ड में अबाउट थाउजेंड्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हंड्रेड्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और रोज रोज अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाए जा रहे हैं। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अलग अलग रूल है, जैसे कि हिंदी लिखने का अलग नियम होगा, इंग्लिश लिखने का अलग नियम होगा, उर्दू लिखने का कुछ अलग ही नियम होगा, अरबी लिखने का कोई अलग ही नियम होगा। ठीक उसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी इतने ही लैंग्वेज नहीं है, हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेज है, और सारे लैंग्वेज को लिखने का अलग अलग तरीका है, अलग अलग रूल है। लेकिन एक चीज सब में कॉमन है कि सारे लैंग्वेज को हमारे कंपाइलर के द्वारा कन्वर्ट किया जाता है ऐसे लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज को कंप्यूटर समझ पाए, और उस लैंग्वेज को हम लोग मशीन लेवल लैंग्वेज भी कह सकते हैं, या बेसिकली वो बाइनरी लैंग्वेज होता है, मतलब कि जीरो और वन की भाषा। ओके, तो थ्रू आउट दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट डिफरेंट प्रोग्रामिंग टेक्निक्स एंड हाउ अप्लाई टू अप्लाई देम। नाउ दैट वी नो अ लिटिल बिट अबाउट कोडिंग एंड इट्स एप्लीकेशन, लेट अस ट्राई टू डू सम एक्सरसाइजेस। अभी तक इस चैप्टर में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में सीखे, उनके अलग अलग सिंटैक्स होते हैं ये सीखे, और कोडिंग के कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशन के बारे में भी सीखे। अब समय आ गया है कि हम कुछ क्वेश्चंस करें, और यहाँ पर हमारा पहला चैप्टर खत्म होता है और क्विज टाइम शुरू होता है। ओके, तो हम लोग अपने पहले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, फॉर अ गिवन प्रॉब्लम देयर इज ओनली वन वे टू राइट अ प्रोग्राम। क्या अगर कोई प्रॉब्लम दिया गया है, क्या उस प्रॉब्लम के कोड को या उस प्रॉब्लम के प्रोग्राम को लिखने का केवल एक ही तरीका होगा? नहीं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मैंने भी बताया तो कि जैसे मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, वैसे ही प्रोग्राम के हेल्प से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के भी कई सारे तरीके हो सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल भाई गलत है, केवल एक ही तरीका नहीं होगा। ओके, तो मतलब कि इसका आंसर जो है वो ऑप्शन टू होगा, मतलब फॉल्स। ओके, पिन ऑथेंटिकेशन फॉर एटीएम कार्ड ट्रांजेक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्रामिंग। क्या पिन ऑथेंटिकेशन जो कि एटीएम कार्ड ट्रांजेक्शन के लिए यूज होता है, क्या वो प्रोग्रामिंग का एग्जाम्पल है? बिल्कुल है। वो कैसे? एक्चुअली जब आप एटीएम कार्ड को एटीएम में इंसर्ट करते हो तो उसके पीछे एक ब्लैक कलर का ऐसा मैग्नेटिक स्ट्रिप होता है, बिल्कुल ब्लैक कलर का। सपोज अगर ये कार्ड है या आपका एटीएम कार्ड है तो पीछे ब्लैक कलर का एक मैग्नेटिक स्ट्रिप होता है जिसमें आपके सारे बैंकिंग डिटेल्स स्टोर होते हैं, और जब हम उसको इंसर्ट करते हैं तो अंदर में
कुछ सेंसर जो होते हैं वो इन मैग्नेटिक स्ट्रिप्स पर जो भी डेटा है उनको पढ़ लेते हैं, और उसके बाद जब आपसे पिन पूछा जाता है तो अंदर में कुछ कोड लिखे हुए होते हैं जो कि मैच करते हैं कि ये जो पिन है वो इस बैंकिंग डिटेल से मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर होंगे तो पैसे निकलेंगे और नहीं होंगे तो पैसे नहीं निकलेंगे। तो ये सारा जो इंस्ट्रक्शन है ये कोड के फॉर्म में लिखा हुआ रहता है। तो बिल्कुल ये प्रोग्रामिंग का एक वो है, प्रोग्रामिंग का एक एग्जाम्पल है। ओके, तो कोड इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। क्या कोड एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कि कंप्यूटर के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए? बिल्कुल हाँ, कोड का यही तो परिभाषा है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू होगा। क्वेश्चन 4 पर आते हैं। व्हिच अमंग द बिलो आर द एग्जांपल ऑफ प्रोग्रामिंग इन रियल लाइफ। इनमें से कौन सा है जो प्रोग्रामिंग का रियल लाइफ एग्जाम्पल है? तो क्या रोबोट्स में प्रोग्रामिंग यूज होता है? अभी मैंने बताया बिल्कुल होता है। कंप्यूटर गेम्स में होता है? बिल्कुल होता है। और मैंने अभी सेल्फ ड्राइव कार्स टेस्ला का एग्जांपल भी दिया था, याद है? मैंने टेस्ला का एग्जांपल भी दिया था, बिल्कुल टेस्ला भी यूज होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा ना, क्यों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इन सभी में प्रोग्रामिंग के रियल लाइफ एग्जाम्पल, इन सभी में प्रोग्रामिंग से यूज होता है रियल लाइफ में। Which among the below is not an example of programming language? इन तीनों में से programming language example कौन कौन सा नहीं है? तो क्या Python programming language example है? यहाँ पर Python तो है programming language example। क्या JavaScript programming language example है? हाँ, JavaScript भी है। लेकिन मैंने बताया ना कि हम लोग English बोलते हुए programming language नहीं है। English जो है कोई coding तो नहीं है, कोई programming language तो नहीं है। इसका option 2 answer हो जाएगा कि English जो है वो programming language example नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ये पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो ना तो प्लीज आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। ओके, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स तक प्लीज शेयर करिएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए ना तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि तो